नमस्कार। आज हम टिड्डी और टिड्डी दल के प्रकोप के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि टिड्डी दल का प्रकोप भारतवर्ष में बढ़ता ही जा रहा है, ये फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। किसान भी इससे भयभीत है, किसानों में कुछ आशंका है। तो चलिए जानते हैं कि वास्तव में यह टिड्डी दल है क्या, कैसे नुकसान पहुंचाता है, इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। टिड्डी एक कीट है, कीड़ा है, जिसे हम आम बोलचाल में ग्रास हॉपर कहते हैं। ग्रास हॉपर दो तरह के होते हैं, एक का एंटीना बड़ा होता है, एक का छोटा होता है। तो ये छोटे एंटीने वाला ग्रास हॉपर है और सामान्य अवस्था में टिड्डी एकल रह के ही घास को या घास वर्गीय फसलों को, जैसे गेहूं, धान, इन सबको खाता है। घास को या घास वर्गीय फसलों को खाता है। तो सामान्य अवस्था में ये एकल रहता है, खेतों में अकेला रह करके ये घासों को खाता रहता है। लेकिन जब परिस्थितियां इसके अनुकूल होती हैं, जैसे कि अचानक सूखा वृष्टि के बाद बारिश हो जाए, अचानक सूखा पड़ने के बाद जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो, और बहुत सारा उसमें पेड़ पौधे उगाते हैं उस इलाके में, अचानक सूखाग्रस्त इलाके में बहुत सारा बारिश हुई और उसमें बहुत सारा पेड़ पौधे उगाए, तो ये इसके लिए बिल्कुल अनुकूल क्लाइमेट होता है। अनुकूल तापमान और अनुकूल आर्द्रता होने पर ये जो एकल टिड्डी होती है ये सामूहिक टिड्डी में बदल जाती है। कहने का ये है, आप इस तरह से समझ लीजिए कि सेना है, सेना अलग अलग अपने बैरक में बैठी हुई है। अचानक कुछ ऐसा अनुकूल कंडीशन आ जाए कि सेना अलग अलग से हजारों की संख्या में कूच करने लगती है, तो यही टिड्डी के साथ होता है। जब अनुकूल तापमान और आर्द्रता हो जाती है तो एकल टिड्डी के ब्रेन में, इसके दिमाग में एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिससे एकल टिड्डी सामूहिक टिड्डियों में परिवर्तित हो जाती है। अब देखते हैं इसका जीवन चक्र। इसकी मादा जो होती है ये रेतीली भूमि में 5 से 10 सेंटीमीटर तक अंडे देती है, जिसमें से 7 से 14 दिनों के अंतराल में इसका बच्चा निकल जाता है। अंडे से 7 से 14 दिनों के अंतराल में इसका निम्फ, इसके बच्चे को हम निम्फ कहते हैं, जो कि हरे रंग का होता है, और धीरे धीरे ये 50 से 100 तक अंडे देती है। तो ये हरे रंग का जो निम्फ होता है रेतीली भूमि से निकल निकल कर धीरे धीरे हजारों की संख्या में जो इसका निम्फ होता है वो घूमने लगते हैं और घास को खाने लगते हैं। निम्फ जनरली 30 से 40 दिन तक जिंदा रहता है, जबकि इसका वयस्क 2 से 4 महीने तक जिंदा रहता है। तो इसका निम्फ हरे रंग का होता है जबकि वयस्क हल्के भूरे रंग का होता है और इसमें पीले रंग की धारियां होती है। इसके अंडे 5 से 10 सेंटीमीटर गहराई में दिए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये पीले रंग के अंडे हैं और ये जमीन से 5 से 10 सेंटीमीटर गहराई में दिए जाते हैं। इसकी मादा अपना ओविपोजिटर रेतीली जमीन में घुसा देती है और ये देखिए अंडे सफेद रंग के झाग से अंडे इसके कवर रहते हैं। तो इसके अंडे को कवर करने के लिए सफेद रंग का झाग रूपी संरचना होती है जिससे इसके अंडे बचे रहते हैं। और भारतवर्ष में ये टिड्डी के अंडे देने का समय गर्मी ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, और मुख्यतः रेतीली जगहों में अंडे दिए जाते हैं। मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर के आसपास ही टिड्डी दल अंडे देता है। तो अंडे से फिर निम्फ निकला, निम्फ टिड्डी का बच्चा होता है और ये 10 से 20 दिनों के बाद अंडे से निकलता है और भोजन की तलाश में ये घूमना शुरू कर देता है और सामूहिक रूप से निम्फ भी फसल को नुकसान पहुंचाता है। ये हरे रंग का होता है। आप देखते हैं टिड्डी दल के प्रकोप में जलवायु की भूमिका, जलवायु की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर जलवायु फेवरेबल हुई, जलवायु अनुकूल हुई, तो टिड्डी दल अचानक लाखों की संख्या में निकल आएगा। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी उत्पत्ति हुई कैसे। अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका के पश्चिमी भाग में एक चक्रवाती तूफान आया। ये देखिए आप, चक्रवाती तूफान आया जिससे लगभग 400 गुना वहां पे वर्षा हुई,
400 गुना बढ़ा, अचानक ही उसमें क्लाइमेट चेंज हुआ, 400 गुना तक वर्षा हुई, जिससे इसके लिए अनुकूल तापमान पैदा हो गया और जिससे टिड्डियों की संख्या अचानक लाखों गुना ज्यादा बढ़ गई। तो इसके लिए अनुकूल तापमान है, अनुकूल जलवायु क्या है, अचानक सूखा ग्रस्त इलाके में बहुत सारी बारिश होना। तो पश्चिमी अफ्रीका में यही हुआ, ये इलाका जनरली सूखा रहता है और इसमें 400 गुना तक बारिश हो गई जिससे टिड्डियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब देखते हैं टिड्डी दल की मूल उत्पत्ति। पहले चित्र में 2018 का है जिसमें एक चक्रवातीय तूफान धीरे धीरे पश्चिमी अफ्रीका के रेगिस्तान में आता है और 2019 में ये बहुत ज्यादा 400 गुना तक वहां बारिश हो जाती है, जिसके फलस्वरूप 2020 में वहां पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा उग आते हैं, वनस्पति ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है और टिड्डी दल के इसमें बहुत ज्यादा अंडे दे दिए जाते हैं और टिड्डी दल का प्रकोप लाख गुना इसमें इस इलाके में हो जाता है। ये जो पश्चिमी अफ्रीका का इलाका है इसमें टिड्डी दल लाख गुना ज्यादा अंडे देते हैं और इसका वातावरण पूर्ण रूप से अनुकूल हो जाता है। और एक चीज और भी है कि पश्चिमी अफ्रीका के ये देश हैं जो सोमालिया, इथियोपिया, इसमें राजनीतिक अस्थिरता भी चल रही है जिसकी वजह से ये लोग टिड्डी दल के अंडे अंडों को नष्ट नहीं कर पाए हैं। पहला चरण यही है कि टिड्डी दल ने जहां अंडे दिए हैं हमें अंडे देने की जगहों को पूर्ण रूपेण नष्ट कर देना, तो ये उसका मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पाए। इथियोपिया, सोमालिया, साउथ सूडान, इन सब जगह कुछ राजनीतिक स्थिरता थी जिसकी वजह से ये कर नहीं पाए और इसका प्रकोप अत्यधिक हो गया। तो मेन कारण क्या है, 400 गुना ज्यादा बारिश होना, उसके फलस्वरूप पेड़ पौधों का उगना और उसमें टिड्डी दल ने बहुत ज्यादा इस इलाके में अंडे दिए। और इसके बाद जो पश्चिमी हवाएं चली, जो पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर हवाएं चली, उससे टिड्डी दल धीरे धीरे माइग्रेट करते हुए पाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान होते हुए पश्चिमी भारत में प्रविष्ट कर गए। तो ये टिड्डी दल सीधे पाकिस्तान और ईरान से नहीं आई है, इसकी उत्पत्ति पश्चिमी अफ्रीका से हुई है। पश्चिमी अफ्रीका, ईरान होते हुए ये पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी इलाके में राजस्थान, पंजाब तक ये 2020 में इसका प्रकोप शुरू हुआ। अब ये देखा गया है कि भारतीय प्रायद्वीप में 30 साल बाद टिड्डी दल की विभीषिका देखी गई है। इतना भयंकर जो टिड्डी आया है ये लगभग 30 साल बाद आया है। ये देखिए आप, लाखों की संख्या में ये उड़ते हैं और पेड़ पौधों को नष्ट करते हैं। तो भारतवर्ष में लगभग 50,000 हेक्टेयर फसल तबाह हो चुकी है और 8 से 10 समूह हैं टिड्डी के, जो कि एक वर्ग किलोमीटर का एक समूह, एक वर्ग किलोमीटर के बराबर एक समूह होता है। तो ऐसे 8 से 10 समूह हैं जो कि राजस्थान, पंजाब आदि इलाकों में अत्यधिक सक्रिय हैं। धीरे धीरे यह मध्य प्रदेश के इलाके में भी आ रहा है और धीरे धीरे इसके में सावधानी नहीं बरती गई तो ये और आगे वाले इलाकों में भी आ सकता है। अब भारत में टिड्डी दल का प्रकोप, जैसे मैंने पहले बताया था, इस मानचित्र के हिसाब से ये राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश, पंजाब जा रहा है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके में जा रहा है। और अगर हवाओं का रुख अनुकूल रहा, हवाएं अगर उत्तर की ओर या उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व की ओर बही तो ये दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में इसकी संभावना है। घबराने की बात नहीं है, अगर हवाओं का रुख रहा तभी ये ऊपर की ओर आएगा, नहीं तो ये नहीं आएगा। हालांकि इस इलाके में पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके में इसका प्रकोप काफी ज्यादा है। इससे नुकसान कितना होता है, एफएओ के अनुसार 4 करोड़ टिड्डी दल 35,000 लोगों के बराबर भोजन खा सकता है। 35,000 लोगों के बराबर 4 करोड़ टिड्डियों का दल भोजन खा सकता है, जबकि एक टिड्डी दल में 4 से 8 करोड़ कीट होते हैं। तो अगर एक टिड्डी दल आ गया तो 35,000 लोगों के बराबर भोजन ये खा कर ही जाएगा और इसकी रफ्तार लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार, ये काफी तेज उड़ता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकता है। अब आइए इसका प्रबंध कैसे करें, प्रबंधन कैसे करें, टिड्डी दलों की रोकथाम कैसे करें। अब देखिए, रोकथाम के लिए हमें सबसे पहले जहां टिड्डियों ने अंडे दिए हैं हमें उनके अंडों और बच्चों को नष्ट करना है, सबसे पहली रोकथाम। तो अंडे बच्चे जनरली इसके पश्चिमी राजस्थान या राजस्थान के इलाके में रेतीली भूमि के नीचे ये अंडे देते हैं
तो अंडों को कुछ एक रसायन के हिसाब से हम नष्ट करते हैं, रसायन छिड़क करके उनको नष्ट करते हैं। जहां जहां टिड्डी दल ने अंडे दिए हैं उसमें हम अगर ट्रैक्टर से जुताई करा दें बढ़िया से, उसको इस हिसाब से ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं। और इसके नष्ट करने के लिए कई तरह के रसायन भी रिकमेंडेड है। मेलाथियोन 96% अल्ट्रा लो वॉल्यूम 1 लीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव किया जाए। मेलाथियोन 5% डीपी का 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से छिड़काव किया जाए, या क्विनोल्फास का छिड़काव किया जाए, जमीन में मिट्टी में मिलाया जाए। तो इस तरह से हम अंडों को, टिड्डी के अंडों को नष्ट कर सकते हैं। अगर अंडे एक बार नष्ट हो गए तो उसमें से टिड्डी की बच्चों के निकलने की संभावना कम होगी और हमें टिड्डी दल के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी। तो सबसे पहले टिड्डी दल के अंडों को नष्ट किया जाए। ये जनरली ये सरकार करती है, कृषि विभाग ये काम करता है कि घूम घूम के सर्वे करके देखते हैं कहाँ कहाँ टिड्डी ने अंडे दिए हैं और खोज खोज के उसके अंडों को नष्ट किया जाता है। ये काम जनरली राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके में जहाँ जहाँ अंडे देने की संभावना है, जनरली ये रेतीली भूमि में अंडे देते हैं, तो इन जगहों में खोज खोज के अंडों को नष्ट किया जाता है। लेकिन अगर टिड्डी दल आपके इलाके में आ ही जाए तब क्या करेंगे? अंडों का काम तो चलो ठीक है, सरकार कर देगी, लेकिन टिड्डी दल आपके इलाके में अगर आ जाए तो क्या करें? देखिए, सबसे पहले हमें सचेत रहने की जरूरत है, कृषि विभाग को सचेत रहने की जरूरत है। टाइम टू टाइम हमें पता होना चाहिए कि टिड्डी दल पहुंचा कहाँ पे है। अगर आपके इलाके में उसके आने की संभावना है तो गाँव वाले सब लोग इकट्ठा हो जाइए, एक साथ सामूहिक रूप से कार्य करें, एक साथ थाली बजा करके, ड्रम बजा करके, ढोल बजा करके तेज आवाज में शोर करना चाहिए। अगर टिड्डी दल आ रहा है तो हमें थाली बजा करके, ड्रम बजा करके शोर करें ताकि उसकी आवाज से वो थोड़ा आपके खेतों में ना रहे। या हम वो ट्रैक्टर बाइक आदि के हॉर्न भी बजा सकते हैं, खेतों में आग जला करके। अगर देखिए टिड्डी दल जनरली शाम के समय ये आ रहा है, अगर रात के शाम के समय आपके खेतों में बैठ रहा है तो पराड़ी जला करके, आग जला करके इसको दूर भगाएं, पराड़ी या आग से ये दूर भागता है। तो क्या करें, थाली बजाएं, ड्रम बजाएं, शोर मचाएं और घास फूस या पराड़ी जला करके, आग जला करके इसको दूर भगाएं। फिर भी टिड्डी दल अगर आपके खेत में बैठ जाता है, चलिए 50% अगर भाग भी जाता है तो 50% आपके खेत में बैठेगा। अगर बैठ जाता है तो शाम या रात के पहर में कीटनाशक रसायनों का छिड़काव करें। तो प्रमुख, अगर इसके बावजूद भी ये बैठ जाता है तो कीटनाशक रसायन का छिड़काव करें, जिसमें क्लोरपाइरीफॉस 20 EC का 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर, क्लोरपाइरीफॉस 50 EC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर, डेल्टा मैथ्रिन 2.8 EC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर, फिप्रोनिल 5 SC का 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर, लैम्डा साई हेलोथ्रिन 5 EC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर, मेलाथियोन 50 EC का 3.5 मिलीलीटर प्रति लीटर, और या मेलाथियोन 25 WP का 7.4 ग्राम प्रति लीटर। इनमें से कोई भी आपको कीटनाशक मिल जाता है, अगर टिड्डी दल आपके खेतों में बैठ जाता है तो रात्रि के समय अच्छे से कीटनाशकों का छिड़काव करें, बढ़िया से कीटनाशकों का 2-4 बार कीटनाशकों का छिड़काव करें, जिससे जो कीटनाशक आपके खेतों में बैठ गया है, जो टिड्डी दल आपके खेतों में बैठ गया है उनको, उनका खात्मा किया जा सके। तो मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर टिड्डी दल आपके खेत में आ भी जाए तो क्या करें, खूब हल्ला मचाएं, ढोल बजाएं, थाली बजाएं, तेज आवाज में हॉर्न बजाएं, आग की पराड़ी जला सकते हैं, धुआं करें, आग जलाएं, मसाल जला कर सकते हैं, इससे आपके खेतों में कम टिड्डी दल बैठेगा। और अगर बैठ भी जाता है तो इन निम्नलिखित कीटनाशकों का अच्छे से इसमें छिड़काव करें। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, फिर ऐसा करने से आपके खेतों का बचाव होगा और टिड्डी दल आपके खेतों से दूर भागेगा और आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। तो जागरूक रहें, और अगर आपको अंदेशा है कि आपके यहाँ टिड्डी आने वाला है या आपके किसी रिश्तेदार के खेत में टिड्डी आया है, तुरंत सूचना दें। ये नंबर है 1800180011, ये हमारे उत्तराखंड सरकार के कृषि विभाग का नंबर है, या अपने जिले के कृषि अधिकारी को तुरंत सूचना दें। बिल्कुल भी ना घबराएं, टिड्डी दल का नियंत्रण किया जा सकता है। धन्यवाद।